बीच में बैठे हैं कि जब भी आपको फोन आएगा अपने फोन हमेशा ऑन रखने हैं। हम भी जो है जब यहाँ पे बैठते हैं तो फोन हमेशा हमारा ऑन रहता है, चाहे किसी मीटिंग में हो या जिसमें, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। हर आदमी की अपनी परेशानी है, अपनी मसरूफियात होती हैं, लेकिन ये जरूर इंश्योर करें कि अगर कोई आदमी आपको बार बार फोन कर, कहीं कोई पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई खंभे के ऊपर जो है वो चढ़ा है, पोल के ऊपर चढ़ा है और पीछे बिजली काटने के लिए कर, खास तौर पर पीडीडी पीएचई इन दोनों साहिबान को मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे भी आपके जेई साहिबान है, एडब्ल्यू साहिबान है, पे भी, क्योंकि बहुत सारे जेई साहिबान है उनको फोन नहीं उठाते हैं, तो वो कम अज कम लोगों को अटेंड कर। इन चारों सब डिविजन में जो है हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो तैनात हैं, धन्ना मंडी के अंदर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो तैनात हैं। मैं ये भी बताता चलूं 1415 जो है यहाँ की पॉपुलेशन है जो 2011 सेंसस के मुताबिक है। आज की डेट में अगर हम एक फॉर्मूले के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफिस पे है उसके दफ्तर से जो बुक निकलती है उसके मुताबिक 7 नहीं कर लेता है तो वो बोलता है जनाब मुझे डिपार्टमेंट ने काम नहीं दिया, मुझे डिपार्टमेंट ने मेरा मकान नहीं दिया। लेकिन डिपार्टमेंट की भी मजबूरी होती है कि डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर जो है वो नाम होना उसका जरूरी है। मैं ये भी बताता चलूं कि जिला के अंदर हमारे यहाँ पे 386 गांव हैं और हर गांव के अंदर 4000 लोग मिलकर रह रहे हैं। आज ये जो लोक मित्र वाली ये जो किताब है जिसके अंदर उन सब लोगों के नाम हैं जो कुछ किस्मत है और कुछ नसीब है वो यहाँ पे हम सबके बीच में, यहाँ इज वाटर प्रॉपरली कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ इट एंड विल कंट्रीब्यूट इन द प्रोपगेशन ऑफ कैच द रेन कैंपेन। आई विल प्लीज and accordingly will use it optimally. I take pledge to encourage my farmers to use water properly and not to waste it. This planet is ours and only we can save it and thereby secure our future. I will not participate in the marriage ceremony of anyone who is below the legal age of marriage. My parents will also not do the same. I will love the girls and support every action in my family for other girls in the family. I will to protect all children from violence and child abuse. Thank you very much. Shukriya. नहीं कर लेता है तो वो बोलता है जनाब मुझे डिपार्टमेंट ने काम नहीं दिया, मुझे डिपार्टमेंट ने मेरा मकान नहीं दिया। लेकिन डिपार्टमेंट की भी मजबूरी होती है कि डिस्ट्रिक्ट डेटा के अंदर जो है वो नाम होना उसका जरूरी है। मैं ये भी बताता चलूं कि जिला के अंदर हमारे यहाँ पे 386 गांव हैं और हर गांव के अंदर 4000 लोग मिलकर रह रहे हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ से खुश हूँ। हमारे सामने लोग
वही करना है। जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो एंडोर्स करके देंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त के इनाम के साथ हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर, हर वो आदमी जो 50 साल की उम्र से जिसकी उम्र ज्यादा है उसका नाम नोट करना है ताकि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है वैक्सीनेशन करवाई जाए। हर वो आदमी जिसकी उम्र 50 साल से चाहे अगर कम भी है, लेकिन अगर उसको कोई और आदमी को बीमारी है, किसी को कोई शुगर है, किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को किडनी की परेशानी है, तो उन लोगों को भी अंदर कोविड वैक्सीनेशन जो है वो भी करवाई जाए ताकि वो कोविड जैसी जान लेने बीमारी जिसमें लगभग हमने 55 से 60 जाने और पटना से आए हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर रहे, कान और आंखें बन के काम करेंगे। यहां आए हुए मुख्तलिफ महकमों से मुलाजमीन जो आज यहां एग्जीबिशन और स्टॉल जिन्होंने लगाए हुए हैं, काबिले एहतराम और काबिले कदर यहां की बाशूर आवाम जो इसमें शामिल है और दीगर हजरात, आज का दिन रजौरी जिले के लिए एक गोल्डन डे है जिसको लोग सुनहरी अल्फाज में बोलेंगे भी और याद भी रखेंगे। सरकार की हर स्कीम्स को कामयाब बनाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए जो सरकार की इस वक्त कोशिश है उसको आगे लेते हुए ये जो कंसेप्ट लोग मित्र का इंट्रोड्यूस किया गया है, आवाम और इंतजामिया दोनों के बीच में जो फासला है इसको कम करना है और हर मौजा में, हर गांव में सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे हर वक्त हर पल हाजिर रहेंगे। मैं अपनी टीम को जिसने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पूरी मेहनत 20 दिन के अंदर की है, जब से मैंने टेक ओवर किया है हम 20 दिन से इसके ऊपर काम कर रहे थे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस कंसेप्ट से ये लॉन्च किया जा रहा है वो उसमें हमें 100% कामयाबी मिले। सरकार की कोशिशों से हर मोड़ा और गांव तक स्कीमें लॉन्च की गई हैं, चाहे वो स्टेट की स्कीम्स हों चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों। मेरा अपना कहना है या सोचना है कि वो हर स्कीम तब तक नाकामयाब है जब तक लोग उसमें अपनी शमूलियत ना करें और लोग शाना बिशाना ना रहें। इसलिए उसी कंसेप्ट से सरकार ने भी कोशिश करके इलेक्शंस करवाए हैं, सरपंच साहिबान जो फर्स्ट ईयर है पंचायती राज का वो हर देहात के कोने कोने तक जो है वो अवेलेबल है, वो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। क्योंकि एक बार जो पंच और सरपंच बन गए तो समझ लो वो एक गवर्नमेंट मशीनरी की का हिस्सा बन जाते हैं, उनको उनके जरिए ही इलाके की
वो लोक मित्र हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है वो डीसी साहब की सदारत में ढूंढ के निकाले गए हैं, जो चाहे आईसीडीएस डिपार्टमेंट से हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वहां से, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, आशा हैं जो लोगों के साथ जुड़ी हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमारे VLWs हैं, GRS हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे BLOs हैं, और उसी के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, और ये वो लोगों का ग्रुप है, चार लोगों एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, चार चार लोगों का ग्रुप बनाया गया है, और जिला के अंदर जैसा मैं बताता चलूं कि 386 विलेजेस हैं, तो 386 ऐसे ग्रुप हैं जो इस समय आपको यहां पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ हर गांव को रिप्रेजेंट करने वाला पटवारी जो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक किया गया। लोक मित्र में 4 से 5 मुलाजम हर महकमे से चुने गए हैं, ये हर गांव में तैनात रहेंगे, 24 घंटे यहां हाजिर रहेंगे, कोई भी गांव में इंफॉर्मेशन होगी या गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी उसके बारे में ये सरपंच से मिलकर लोगों को अवेयर करेंगे। गांव के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जैसे फॉरेस्ट फायर, हाउस की फायर, चोरी चकारी या कोई भी हादसा होता है, ये तुरंत हमें फ्लैश करेंगे ब्लॉक के थ्रू, पुलिस स्टेशन के थ्रू या तहसीलदार साहिबान के थ्रू। जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या सरकार की हैं, उन लोगों को घर घर जाकर डोर पे ये नॉक करेंगे, उनको स्कीम समझाएंगे और उनको डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे। एक तो ये मकसद था। आज 386 गाँवों से लोग लोक मित्र जो थे वो सब आए थे, उसमें सारे सरपंच साहिबान थे, DDC मेंबर्स थे, PDC के चेयरमैन साहिबान थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, लगभग 1700 से 1800 आवाम यहाँ इकट्ठी हुई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सारे हाजिर थे, उन्होंने अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को इतला दी। कुछ महकमों ने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया, अपना अपना जो कारकर्दगी है वो लोगों को दिखाई। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कैंपेन 20 दिन से जब से मैंने ज्वाइन किया है इसमें हमने तेज़ी लाई है, उसको आगे और तेज़ करने के लिए मुहिम को, मोमेंट को, कैंपेन को आज यहाँ से अपील किया गया। ख्वातीन हजरात भी यहाँ शामिल रहे और हमारी ये कोशिश है कि हर स्कूल, हर सरपंच, हर पंच या वार्ड मेंबर्स एक एम्बेसडर बन के अपने इलाके में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में शमूलियत करेंगे। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन में जो भी सरकार काम कर रही है, स्कीमें हैं या वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उसमें कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है, उसको खूबसूरत बनाना है, रिट्रीव कैसे करना है, सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी प्लेज लिया गया और यहाँ से लोगों को अवेयर किया गया और अपील की गई के लोगों का, आवाम का इसमें शामिल होना बहुत लाजमी है। सर पिछले दिनों कुछ इनिशिएटिव आपके द्वारा दिए गए, कुछ पंचायत घर खाली कराए गए, इंक्रोचमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए, क्या कहेंगे कितने पंचायत घर खाली हुए हैं अभी तक? 3 पंचायत घर, एक सुबह ही हमने करवाया है जो 98 से लेके लोगों ने कब्जा किया था, कुछ चंद जो लोग थे उसको खाली कराया है, पहले 2 करवाए हैं, 3 हो गए हैं अभी तक। एक JK बैंक की बिल्डिंग जो थी उसको शिफ्ट किया गया, एक ZU ऑफिस था उसको शिफ्ट किया गया और उसके अलावा एक स्कूल बिल्डिंग को। तो अभी तक ये कैंपेन जो है ये जारी रहेगा, कोई भी जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं ये किसी भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में नहीं रहनी चाहिए, ये कैंपेन हमने चलाया है। थैंक यू सर।